पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना मझोला पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके पास से 63,000 की नकदी, फर्जी सिम, लैपटॉप और टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। ये फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज मझोला थाना क्षेत्र के आजाद नगर नई बस्ती में चल रहा था, जिसकी सूचनाएं लगातार पुलिस को लग रही थी। इसी के तहत संयुक्त टीम द्वारा आजाद नगर में छापामार कार्रवाई करते हुए इस फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज का खुलासा किया गया है। ये एक गैंग थाना मझोला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती है, इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था। वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ ये मिला, जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। उसने इसको बताया कि एक सेटअप है जो मैं तुमको दूंगा, इसका खर्चा भी मैं ही बहन करूंगा और तुमको वहां पर इसको सेटअप को लगाना है। इसमें कुछ सिम कार्ड्स होंगे जिन्हें इंस्टॉल करना होगा, तो सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा इनको और इसके बदले में इनको 20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी देगा। इसने अपने छोटा भाई इसका जो यहाँ इंडिया में ही रह रहा था उससे इसने बात की, तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, जो इसका नाम मेहराज है, ये दोनों डोमगढ़ थाना कुदरकी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ थाना मझोला क्षेत्र में एक मकान लिया और उसमें एक पूरा सेटअप जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें लगभग इनके कब्जे से करीब 550 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद हुए, वो सब लगाया और इसके माध्यम से ये लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको उनकी कॉल कराया करते थे, तो सस्ती दर पर कॉल कराते थे। इनका बेसिकली जो मॉडस ऑपरेंडी था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता था इंडिया से बाहर, संभवतः सऊदी अरब में, उसको कोई एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता था जहाँ से एक इंटरनेट कॉलिंग होती थी और वो कॉलिंग यहाँ पर कन्वर्ट होती थी, यहाँ से एक नई कॉल जो यहाँ से हमारे जो GSM सिम लगे हुए थे उनके माध्यम से जनरेट होती थी और वो कॉल फिर संबंधित व्यक्ति से के पास पहुँचती थी। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कॉल है वो ये लोग आसानी से एक सस्ती दर पर कर लेते थे और इसका लाभ दोनों यहाँ और वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसके माध्यम से लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसमें लाभ कमा रहे थे। ये एक तरह का वायलेशन था, नियम विरुद्ध था, इसका कोई लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी फैसला हो गया। सर, ये देश की इकोनॉमिक को नुकसान दे रहे थे और कितनी रिकवरी इनके पास थी? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉलिंग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।